वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नेता अनुभवी नेता है, उनकी पूरी जिंदगी विपक्ष में गई है, हम उनको हमेशा सम्मान करते हैं। पेगासस जासूसी का विषय ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हम सब लोग लगभग 7-8 दिन से पार्लियामेंट में दोनों सदनों में इस बारे में सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। सरकार देश की बात, देश के मन की बात नहीं सुनना चाहती। हम तो सरकार के मन की बात हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन हमारे मन की बात कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी का बहुत ही आभारी हूं कि वो आज एनडीए के घटक है, सरकार के साथ है, लेकिन उनका आत्मा आज भी हमारे साथ भटक रहा है। और हमारे मन की बात, विपक्ष के मन की बात नीतीश कुमार जी के मुंह से निकली है। अब मुझे लगता है सरकार उनकी बात सुनेगी और ये चर्चा का मौका सदन में हमें मिलेगा। धन्यवाद नीतीश कुमार जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देख, वो नौटंकी है, ये देखिए, जब हम सारे पार्टी 60% पीपल आर विथ अस इन दिस कंट्री, जब 60% लोग और उनके प्रतिनिधि मिल के एक निर्णय लेते हैं और पार्लियामेंट में उसकी चर्चा चाहते हैं पेगासस इशू पे, जो आप जासूसी कर रहे हैं, प्रेस वालों की जासूसी कर रहे हैं, जो आर्मी की चीफ की जासूसी अपोजिशन लीडरों की कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया की कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये नौटंकी है। अरे, जो चीज़ आप डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए, लोगों के प्राइवेसी को ख़त्म करने के लिए आप हमको ऐसा नौटंकी कह के, जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, गलत है। पहले तो देखो कि चर्चा करने के लिए पहले शुरू कर, उसका पूरा अभ्यास कर रहे हो और वो जानते हैं कि पेगासस सिर्फ किसी व्यक्ति के नहीं, देश के लिए भी खतरा है। लेकिन देश की संविधान पे जब आ जाती है, जिस संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, प्राइवेसी के अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता के अधिकार दिए हैं, विचार व्यक्त करने के अधिकार दिए हैं, उस पर अगर कोई जासूसी कर रहा है तो वो बड़ी गंभीर बात है। और बिना जाने होती है ना जासूसी, थोड़ी उसको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो अच्छा नहीं कि बंद कमरे में क्या हो रहा है चार दीवारों के अंदर, वो तो आपकी उनकी स्टाइल है। आपने देखा होगा उनके खुद के मंत्रियों के घर पे उन्होंने कैमरे लगा के रखे थे, तो ये जानकारी आपको होगी। तो इसके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। और ये नहीं कि ऑपोजिशन चर्चा नहीं करे, तो वो भी एक गलत भय में हो रही है। ऑपोजिशन चर्चा करनी चाह रही है, सरकार चर्चा करने नहीं दे रही है, ये सच्चाई है। वो इतना ही कह रहे कि पेगासस पे पहले चर्चा करें, बाकी सारी चर्चा हम बाद में करेंगे। सरकार क्लीन करके सामने आ जाए, स्वच्छ प्रतिमा लेकर सामने आए।